साथ मैं हूं राकेश पांडे, हाजिर लेकर न्यूज टिपर टू। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ, बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हालात से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। पीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों तक जल्द मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित श्रीनगर पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया। मोदी ने दिल्ली और अन्य राज्यों से वरिष्ठ अधिकारियों को श्रीनगर भेजने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिया। इन अधिकारियों से श्रीनगर प्रशासन से तालमेल बैठाने के लिए कहा गया है ताकि जरूरतमंद लोगों तक मदद तुरंत पहुंचाई जा सके। जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे 75,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। बचाव और राहत अभियान में 30,000 से ज्यादा सैनिकों और दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर IM-26T समेत 80 मालवाहक विमानों और हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर के बेमिना इलाके में बाढ़ की वजह से भयावह हालात पैदा हो गए हैं। झेलम नदी में आई बाढ़ की वजह से बेमिना इलाका पूरी तरह से डूब चुका है। मकान, गली, मोहल्ले, हर जगह पानी है। यहाँ पर कई फीट पानी भर चुका है, जिसकी वजह से बिना नाव के सफर करना जान जोखिम में डालने के बराबर है। बारिश ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। उम्दा धान की फसल जहाँ चौपट हो चुकी है, वहीं सब्जी की खेती भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। यहाँ पर फंसे लोग वक्त पर मदद नहीं पहुँचने की वजह से प्रशासन के रवैये से नाखुश हैं। बेमिना में खुमानी चौक के आसपास रहने वाले लोगों का दर्द इंडिया न्यूज ने जाना। लोगों के पास ना तो खाने का सामान है, ना ही पीने का पानी है। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से मदद नहीं पहुँचने से ये लोग बेबस महसूस कर रहे हैं। बड़गा में लाल चौक की ओर जाने वाली सड़क पर कई फीट पानी भरा है। कभी यहाँ लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को सेना की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। इस त्रासदी से बचने वाले लोग सेना के जज्बे के खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं। बाढ़ में स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में सैलानी भी फंसे हैं, जिन्हें सेना की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बाढ़ में फंसे लोगों ने डेरा डाला हुआ है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर सीमित संख्या में है और लोगों की तादाद काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। परेशान लोग जल्द से जल्द इस त्रासदी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए सेना जी जान से जुटी हुई है। सेना के जज्बे का ही नतीजा है कि महज 16 घंटे के अंदर उसने तवी नदी पर पुल का निर्माण कर दिया। बारिश की वजह से यहाँ पर ब्रिज टूट गया था, जिसकी वजह से 40,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे। नया पुल बन जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। प्रशासन और सेना के अलावा लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ट्यूब से नाव बनाकर जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इंडिया न्यूज के कैमरे में जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की भयावह तस्वीरें कैद हुई हैं। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। इलाके के इलाके डूबे हुए हैं। हाईवे, मकान, पेड़ पूरी तरीके से पानी में डूबे हैं। मदद की आस में जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। गई इन तस्वीरों में चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। इलाके के इलाके डूबे हुए हैं। हाईवे, मकान, पेड़ पूरी तरीके से पानी में डूबे हैं। मदद की आस में जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग भी बाढ़ से प्रभावित हुए। चारों तरफ पानी से घिरे लोग छत पर खड़े होकर मदद की आस में आसमान की तरफ देख रहे हैं। वायुसेना के जवान काफी बहादुरी से इन्हें एक एक करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से डल झील में लबालब पानी भर चुका है। झेलम नदी भी उफान पर है। रेलवे ट्रैक, सड़कें और रास्ते सब कुछ डूब चुके हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप है। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ ने दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 20 लोग फंसे हुए हैं। ये लोग एक शादी में शामिल होने के लिए कश्मीर गए थे। संपर्क न हो पाने से परेशान परिवार वाले मदद की गुहार लगा रहे हैं। गाजियाबाद में भी कई लोग जम्मू कश्मीर से अपनों के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सतीश सिंघल का परिवार अपनी बेटी और दामाद का इंतजार कर रहा है। 4 सितंबर से वो गायब हैं। NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेंद्र सिंह भी अपने परिवार के साथ श्रीनगर में बाढ़ के बीच फंसे हैं। मध्य और उत्तरी गुजरात में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। करीब 125 गांव में बिजली ठप हो गई है। उधर वडोदरा में बारिश के बाद नदियों में आए उफान से शहर में कई फीट तक पानी भर चुका है।
सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही ठप हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लगातार बारिश से गुजरात के नाडियाड शहर में भी चारों तरफ पानी जमा हो चुका है। राजस्थान के जोधपुर में बीएसएफ के डीआईजी की कार सड़क पर आए बाढ़ के सैलाब में बह गई। गनीमत रही कि बीएसएफ के जवानों ने वक्त रहते डीआईजी को कार से बाहर निकाल लिया था। राजस्थान के उदयपुर में भी अब बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में एक पुल टूटने से 20 गांवों का संपर्क शहर से कट गया। यह पुल कल्याण और तालुका को जोड़ता है। आंध्र प्रदेश भी आफत की बारिश से परेशान है। गोदावरी, वसुंधरा और वामसादरा जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। बिहार के मधुबनी में नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। सभी जीवश नदी में नहाने गए थे। यूपी के अमरोहा में लाइव मारपीट की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दो गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते एक के बाद एक कई लोग आपस में हाथापाई करने लगे। तस्वीरें अमरोहा के हसनपुर कोतवाली में एक पेट्रोल पंप के पास की हैं। पेट्रोल कम देने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। एक तरफ पेट्रोल पंप के कर्मचारी तो दूसरी ओर पेट्रोल लेने वाले शख्स के साथ पहुंचे लोग, यहां तक कि लाठी डंडे भी चले। सरेआम ये मारपीट होती रही। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन मारपीट रुकने की बजाय बढ़ती चली गई। हाथापाई में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी के अमेठी में दो सुरक्षा गार्डों के बीच हुई दनादन फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। एक मसाला फैक्ट्री में तैनात दो गार्ड्स के बीच करीब 10 मिनट तक फायरिंग हुई और आसपास अफरा तफरी मच गई। बीच सड़क पर हुए इस गोलीकांड में गुलाब नाम के गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राकेश नाम का दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल है। दोनों के बीच हुई इस फायरिंग की वजह साफ नहीं है। दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में 9 सितंबर को दो नाइजीरियन गुटों के बीच चाकूबाजी और पथराव की घटना की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। इस झड़प में कई लोग घायल हुए। झड़प की वजह अभी सामने नहीं आई है। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि नाइजीरियन मूल के कुछ लोग हाथों में चाकू और कुछ दूसरे हथियार लहराते हुए भाग रहे हैं। वो बीच बीच में पत्थर फेंक रहे हैं। इस पूरे हंगामे के चलते घंटों सिर्फ खिड़की एक्सटेंशन में अफरा तफरी मची रही। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके से एक महिला के खुदकुशी का संदिग्ध मामला सामने आया है, लेकिन 28 साल की बबिता के मायके वालों के मुताबिक दहेज के लिए उसकी बेटी को मारा गया। आरोप है कि दहेज के लिए बबिता को उसके पति और ससुराल वाले मारते पीटते थे। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। सिरोही में माउंट आबू रोड पर छिपबेरी के पास यात्रियों से भरी बस करीब 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। बस माउंट आबू से अहमदाबाद जा रही थी। बस में 55 लोग सवार थे। सभी यात्री गंभीर रूप से जख्मी हैं। एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर पर गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक सरायकाले खां की तरफ से एम्स की ओर जा रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रक काफी तेज रफ्तार में था, जिसके बाद पूरे सड़क पर गैस से भरा सिलेंडर फैल गया। गनीमत रही कि इस हादसे के बाद किसी भी सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली के नारायणा में सेक्स रैकेट के खिलाफ लोगों ने नारायणा थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में सेक्स रैकेट का धंधा चलता है। पुलिस ने कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिरकार स्थानीय लोगों ने तीन लड़कियों को खुद ही रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन पुलिस उल्टा स्थानीय लोगों पर भड़क गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। नागपुर के पौश इलाके धनतोली में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक कोठी में लंबे समय से चल रहे सेक्स रैकेट का फंडाफोड़ किया। पुलिस ने 65 साल के एक बुजुर्ग समेत दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। नवी मुंबई में एक बार टेंडर की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ हो सकता है। आरोप है कि टेंडर एक लड़की से शादी का वादा कर दूसरी लड़कियों को घुमाता था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अगर दिल्ली में कोई उनको समर्थन देता है तो उन्हें सरकार बनाने में कोई एतराज नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास सरकार बनाने का मैंडेट है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल पर प्रहार करते हुए कहा कि उनके सत्ता प्रेम की सजा राजधानी भुगत रही है। सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो लोगों को गुमराह कर रही है। सतीश उपाध्याय ने फिर दोहराया कि अगर उपराज्यपाल दिल्ली में फिर चुनाव कराना चाहते हैं तो बीजेपी इसके लिए तैयार है। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर उपराज्यपाल बीजेपी को न्योता देते हैं तो गंभीरता से विचार किया जाएगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल स्टिंग की सीडी लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को बीजेपी नेता शेर सिंह डागर के स्टिंग की सीडी भी सौंपी।
दवा के स्ट्रिंग में आम आदमी पार्टी के विधायक को 4 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। केजरीवाल ने एलजी से बीजेपी को सरकार के लिए न्योता नहीं देने की अपील भी की। केजरीवाल ने एलजी से विधानसभा भंग करने और चुनाव कराए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि अगर बहुमत के बगैर बीजेपी को न्योता मिलता है तो उपराज्यपाल पर दबाव की बात साफ हो जाएगी। पीएम मोदी के जन्मदिन की पार्टी में जाने पर आम आदमी पार्टी से बगावत करने की खबरों पर कुमार विश्वास ने सफाई दी है। विश्वास अब कह रहे हैं कि आयोजकों ने उन्हें न्योता नहीं दिया, इसलिए समारोह में जाने का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि विश्वास प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी से बगावती सुर अपना चुके हैं। केंद्र सरकार ने एनडीएमसी यानी कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को भंग कर दिया है। लगातार खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए सरकार ने एनडीएमसी को भंग करने का फैसला किया। खासतौर पर बिजली का राजस्व घाटा और काउंसिल के तहत आने वाले इलाकों में अवैध अतिक्रमण की समस्याओं को भंग करने की वजह बताया जा रहा है। एनडीएमसी को भंग करने के बाद इसकी सारी जिम्मेदारियां आईएएस अधिकारी जल श्रीवास्तव निभाएंगे, जो एनडीएमसी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। कैबिनेट ने कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी में विनिवेश को मंजूरी दे दी है। कोल इंडिया में 10%, ओएनजीसी में 5% और एनएचपीसी में 11.36% विनिवेश को मंजूरी दी गई है। इस विनिवेश से सरकार कुल 45,796 करोड़ रुपए जुटाएगी, जो कि बजट में तय अनुमान से ज्यादा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में जनधन योजना की भी समीक्षा की गई। वित्त मंत्री जेटली ने बताया कि अब तक योजना के अंतर्गत 3.2 करोड़ लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने आधार के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ पर लखनऊ के गाजीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। योगी पर आदर्श आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन का भी आरोप है। इसके अलावा जबरन सड़क जाम करना, सरकारी संपत्ति पर पार्टी के झंडे लगाने का मामला दर्ज किया गया है। मामला दरअसल बुधवार का है, जब योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इजाजत नहीं होने के बावजूद रैली की। योगी ने प्रशासन पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। रैली की इजाजत नहीं मिलने से योगी और दूसरे बीजेपी नेताओं ने ट्रक पर सवार होकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि यूपी में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि उन्हें मुरादाबाद मैनपुरी ठाकुरद्वारा में सभा नहीं करने दी गई। इस रैली में योगी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद थे। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है। मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अमित शाह के खिलाफ मुजफ्फरनगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है। अमित शाह पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा भाषण दिया जिसके चलते धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थी। चेन्नई की जिला सत्र अदालत ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ समन जारी करके 10 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह नोटिस तमिलनाडु सरकार की ओर से स्वामी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे पर सुनवाई के दौरान दिया। 2G घोटाले के आरोपियों से मुलाकात, सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के गले की फांस बन सकती है। सूत्रों से खबर है कि सरकार रंजीत सिन्हा को छुट्टी पर भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रंजीत सिन्हा को नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें पद से हटाने की मांग की गई थी। रंजीत सिन्हा को 19 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट में नोटिस का जवाब देना है। एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में श्रीलंका के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। अरुण सेल्वाराजन नाम के संदिग्ध जासूस के पास भारत और श्रीलंका के 2 पासपोर्ट मिले। गुजरात दौरे पर गए गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज कच्छ में बीएसएफ की चौकी में जाएंगे और सुरक्षा के हालात का जायजा लेंगे। इससे पहले राजनाथ सिंह कल पोरबंदर पहुंचे, वहां उन्होंने कोस्ट गार्ड्स और बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को अब एयरपोर्ट पर तलाशी देनी होगी, उनका विशेषाधिकार अब छीना जा रहा है। एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने कहा कि ऐसा अधिकार जरूरत के आधार पर दिया जाना चाहिए। केरल में बार के लाइसेंस रद्द करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। केरल सरकार ने हाल ही में 5 सितारा होटलों से नीचे की श्रेणी वाले होटलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में सीबीआई ने टीएमसी के राज्यसभा सांसद श्रीजॉय बोस से पूछताछ की। टीएमसी नेता आसिफ खान ने पार्टी छोड़ दी है, शारदा घोटाले में सीबीआई पूछताछ के बाद उन्होंने टीएमसी छोड़ने का फैसला लिया। यूपी और गुजरात में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा, चुनाव 13 सितंबर को है। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सांसद मनोज तिवारी ने नोएडा के बीजेपी उम्मीदवार विमला बाथम के लिए रोड शो किया। 13 सितंबर को नोएडा में विधानसभा उपचुनाव है, इसके लिए बीजेपी नेताओं ने प्रचार में दमखम झोंक दिया है। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ने बीजेपी और शिवसेना को गठबंधन से अलग होने की धमकी दे दी है।
सीट बंटवारे पर फैसला न होने से नाराज रामदास अठावले ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी को फौरन मतभेद खत्म करने चाहिए। अठावले ने धमकी दी कि अगर आरपीआई को 10 से कम सीट दी जाती है तो वो गठबंधन से अलग हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में 4 निर्दलीय विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन में एक लावारिस सूटकेस मिलने से हड़कंप मच गया। सूटकेस में बम होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए बॉम्ब स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सूटकेस में बम की अफवाह से लोग स्टेशन से बाहर भागने लगे। स्टेशन के गेट पर ताला लगा दिया गया था। 40 मिनट की तहकीकात के बाद लावारिस बैग को खोला गया और उसमें कपड़े और जूते निकले। दिल्ली मेट्रो में एक बड़ी घुसखोरी का खुलासा हुआ है। ब्रिटेन की एजेंसी ने यह खुलासा किया। ब्रिटेन की सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने एक कंपनी पर भ्रष्टाचार और साजिश का मामला दर्ज किया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने मेट्रो प्रोजेक्ट का ठेका हासिल करने के लिए अधिकारियों को करीब 23 करोड़ की घूस दी। ब्रिटेन में दर्ज हुए केस के मुताबिक कंपनी ने साल 2000 से 2006 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए घूस दी। स्वागत है। चलिए खबरों की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। मुंबई के नालासोपारा में शिवसेना के 2 नेता और बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर को रिश्वत लेते पकड़ा गया। थाने के एंटी करप्शन यूनिट ने तीनों को बिल्डर से 3.5 लाख की रिश्वत लेकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस के हाथे चढ़ा है एक छतरी वाला गिरोह। ये छतरी गिरोह अब तक कई बैंकों में करोड़ों की लूट को अंजाम दे चुका है। इस गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हाथे चढ़ गए हैं। इस गिरोह के सदस्य रात के अंधेरे में जैकेट हेलमेट और सूट बूट पहनकर बैंक आते थे। इनके पास एक छतरी भी थी जिससे ये सीसीटीवी की निगरानी में न आ पाए। गिरोह के 2 सदस्य बैंकों में चाय पहुंचाने का काम करते थे। इस बहाने वो बैंक की रेकी कर लेते थे। नवी मुंबई पुलिस ने एक बड़े कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के पास से चोरी की कई दर्जन लग्जरी कार बरामद की है। फैजाबाद के कैंट थाना क्षेत्र के सादतगंज में यूपी सरकार में मंत्री अवधेश कुमार की लाल बत्ती गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हैरानी की बात यह रही कि बाइक सवार युवक को टक्कर मारकर लाल बत्ती गाड़ी में सवार लोग युवक को सड़क पर तड़पता छोड़कर फरार हो गए। सूत्रों से खबर है कि गाड़ी में मंत्री जी का बेटा सवार था। बाइक सवार युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने वाली महिलाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान में पहले ही दिन 5,200 महिलाओं के चालान काटे। दरअसल बुधवार से दिल्ली में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया। नए नियम के आते ही कई महिलाएं हेलमेट खरीदती हुई भी नजर आईं। दोपहिया वाहनों से चलने वाली जो महिलाएं हेलमेट नहीं पहनेंगी उनका 100 रुपए का चालान काटा जा रहा है। कानपुर में सड़कों पर लगातार हो रहे अपराध और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एसएसपी ने एक समाजसेवी संस्था के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने देर रात शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की ब्रीथ एनालाइजर से जांच की और दोषियों का चालान काटा। राजस्थान के सीकर जिले में हनुमान जी का आधार कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। हनुमान जी के नाम से बनाए गए इस आधार कार्ड में भगवान हनुमान की तस्वीर लगी है। पिता का नाम पवन जी लिखा है। आधार कार्ड पर जिसका फोन नंबर लिखा है उसका कहना है कि उसने कभी इसके लिए अप्लाई किया ही नहीं था। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड ने आतंकियों का सिर कलम करने वाले को 5 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। इन आतंकियों में हाफिज सईद, मुल्ला उमर बगदादी और सैयद सलाउद्दीन शामिल हैं। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की लापरवाही से एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। 14 साल के सुमित को लेकर उसके पिता अस्पताल में उसे भर्ती करने के लिए पहुंचे लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे अस्पताल के चक्कर लगवाते रहे जिससे उसकी जान चली गई। यूपी के फैजाबाद जिले में बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के दम पर एक बैंक की एटीएम वैन को लूटने की कोशिश की। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड को गोली भी मार दी। देहरादून में हथियार बंद बदमाशों ने कृषि विभाग के एक इंजीनियर के घर में घुसकर जमकर लूटपाट की। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने इंजीनियर और उसके परिवार वालों को घायल कर दिया। लव जिहाद का मुद्दा पश्चिमी यूपी की सरहद पार कर अब मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुका है। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि इस बार के गरबा में मुस्लिम लड़कों को घुसने नहीं दिया जाएगा। विधायक उषा ठाकुर का आरोप है कि लव जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान की चांदी की शहनाई गायब हो गई है। उनके सबसे छोटे बेटे नाजिर हुसैन ने शहनाई के गायब होने की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हरिद्वार में 2016 में होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अर्धकुंभ को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। ब्रिटेन की संसद में आज कश्मीर में मानवाधिकार के हनन पर एक खास बहस होगी।
हालांकि यह बहस मुख्य सदन में न होकर कमेटी के कमरे में होगी, मगर भारतीयों में इसके खिलाफ नाराजगी है। दरअसल ये बहस ब्रैडफोर्ड के संसद के पहल पर हो रही है, जहां पाकिस्तानियों की संख्या ज्यादा है। आज 9/11 हमले की 13वीं बरसी है। आज से 13 साल पहले अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। 13वीं बरसी के मौके पर अमेरिका ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर पर ISIS की धमकियों के चलते सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि कहीं इराक का ये आतंकी संगठन अमेरिका और यूरोप में हमलों को अंजाम न दे दे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि वो इस्लामी चरमपंथी संगठन ISIS को मिटाकर ही दम लेंगे। ब्रिटेन से अलग हो सकता है स्कॉटलैंड। 18 सितंबर को स्कॉटलैंड की जनता जनमत संग्रह में हिस्सा लेगी। हालांकि 307 साल पुराने रिश्ते को बनाए रखने के लिए ब्रिटेन के पीएम कैमरॉन ने स्कॉटलैंड के लोगों से जनमत संग्रह के खिलाफ वोट देने की अपील की। जर्मनी के रेटरहुड शहर में एक रासायनिक कारखाने में जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके में कई लोग घायल हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा।